वैसे तो रात को ही जंगल का नजारा था दिखाने का, लेकिन अब हमने चैन बंद कर लिए अपनी कैंपिंग को एक्सपीरियंस। ये लो जी हम तैयार हो गए हैं, हमें 5 o'clock निकलना था लेकिन 5:30 हो चुके हैं, 5:30 और हमारी अभी भी 2 घंटे की रेड लिस्ट यात्रा पड़ी है मंदिर तक की। अभी निकलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है, मौसम साफ है, बारिश हुई नहीं है, बैग पैक हमने कर लिया। ये बाहर का व्यू है जी, ये देखो ये हमारे आसपास कैंपिंग थी, ये देखो ये लगी हुई है कैंपिंग, ये देखो ऊपर भी है, अभी सुबह सुबह दिखने का नहीं आपको, वो पानी का झरना भी है ऊपर हमारे सामने, बहुत बड़ा पहाड़ है। देखो हम थोड़ा सा लेट हैं बट चलेंगे धीरे धीरे। देखो बर्फ, हमने पहाड़ी खीरा लिया है जो कि पानी की डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से आपको सुरक्षा कवच प्रदान करता है। बीच बीच में खीरा लेते रहो, थोड़ा थोड़ा पानी की भी कमी हो जाएगी और बढ़िया। घोड़ा पड़ाव है जी, इससे आगे घोड़े नहीं मिलेंगे आपको, सब पैदल है तो घोड़ों की अत्याचार से बच जाओगे। घोड़ा पड़ाव से जो मंदिर है 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पड़ता है लगभग। और ये देखो हालत दिखाओ हमारी क्या होगी है, लेकिन ऊपर जाके करेंगे ठीक, अपना सामान वगैरह लॉकर में दे के दर्शन वर्शन करके या उससे पहले करेंगे। आओ घोड़ों की छनछनाहट नहीं सुनाई देगी अपने को। एंटर कर लिया हमने, 500 मीटर दूरी पे मंदिर है यहाँ से, ये देखो नज़ारा पीछे पहाड़ का, 500 मीटर आ गया ना भाई मंदिर, 500 मीटर। हेलीपैड यहाँ से जहाज उड़ते हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ पे आपको टोकन मिलते हैं। अभी आ गए हम यहाँ पे, बस आगे मंदिर ही है, 100 मीटर पे मंदिर है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा। अब हम दर्शन के लिए चलते हैं, फाइनली वी हैव रीच्ड। ये रेतस कुंड है, जब भी आप यहाँ भोले शिव कुछ भी नाम पुकारते हो ना तो इस पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। अब क्या बात, ऐसा है यहाँ का मंदिर। और ये जैसे ही यहाँ सामने मंदिर है और मंदिर से थोड़ा सा पहले पड़ता है, ये लोग यहाँ अपना सिक्का वगैरह डाल के कोई मन्नत मांगते हैं किसी भी तरह की, तो ये है। ये प्रसाद हमने ले लिया, चिन्ह भी ले लिया हमने घर के लिए, और अब हम जाके मंदिर में दर्शन करेंगे क्योंकि लाइन थोड़ी लंबी है आज, और मंदिर चलते हैं। दोस्तों
अभी 3 से 6 तक लाइन बंद रहेगी, मंदिर बंद रहेगा, परिसर में आप बैठ सकते हो और लाइन अभी रुकी हुई है। और शाम को आरती होगी, तो कोशिश करेंगे कि आरती का भी मजा लेके जाएं, आरती को भी इंजॉय करें हम, और फिर रात को उतरना शुरू कर देंगे हम। देखते हैं रात को कहाँ तक जा पाते हैं, नीचे गौरीकुंड तक जा पाएंगे या बीच में ही। भोजन हमने कर लिया है, ये पानी की बोतल है, यहाँ पानी बहुत ठंडा है, कपड़ों में डाल के इसे गर्म किया है, ठीक है, बस इतना ही ठीक है। वाह, वो देखो पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है। लाइन बहुत लंबी है, ये देखो यहाँ से जुड़ी जा रही है, लेकिन फाइनली हम पहुँच भी गए हैं और दर्शन भी हो गए हैं। देखो सामने से लाइन में लगना बाकी है अभी, वो देखो भोलेनाथ के भगत लबरू का मजा लेते हैं। ये है परिसर की गरिमा, बनाए हुए हैं लोग, कितनी लंबी लाइन। चलो जी, चलो चलो चलो, आरती 7 से 8 है ना, 6:30 से बन गई बात। ये लो भाई, स्ट्राइक कर रखी है होटल वालों ने यहाँ केदारनाथ में, जिनके भी होटल्स हैं, तो उनकी मांग ये है कि भाई जो भी आपदा काल में आपदा आई थी उसमें जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है इनका, उन सब होटलों का सरकार इन्हें दोबारा से निर्माण करके दे, ऐसा कुछ करके ये अपनी डिमांड रख रहे हैं। और ये कोई ऑफिसर है जो गवर्नमेंट की तरफ से बात कर रहे हैं, और ये खड़े होकर जो बोल रहे हैं ये पंडित हैं यहाँ के, ये बाबा जी बैठे हैं, ये देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं मस्त। लास्ट टाइम हमने केदारनाथ विजिट किया था, ये भीमशिला है जिसने जब आपदा आई थी उस समय पानी में पड़के ही गया, इस शिला की वजह से ये पीछे पहाड़ों से आई थी और यहाँ मंदिर के ठीक सामने रुक गई थी कुछ डिस्टेंस में, इसकी वजह से सारा पानी लेफ्ट राइट में कट गया था और मंदिर की सुरक्षा युग युग बनी रही और आज भी मंदिर ऐसे का जैसा है। तो ये है वो शिला। ये देखो दोस्तों, हमारे दर्शन हो गए हैं, अच्छे से हमने दर्शन कर लिए। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर परिसर में कैमरा अलाउड है, इसलिए हम बाहर की वीडियो बना रहे हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और ये नज़ारा है परिसर का, और हमें अब निकलना पड़ेगा दर्शन करने के बाद, क्योंकि ये देखो बादल हो गए हैं और अब हमें निकलना है यहाँ से, क्योंकि मेरे ख्याल से 5-6 घंटे कम से कम लगेंगे हमारे नीचे उतरने में, ताकि हम सुबह घर के लिए अपनी वापसी कर सके। और ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है। दोस्तों हमारे दर्शन हो गए हैं और अंधेरा होने को है, 5:30 बजने वाले हैं और अब हम निकलते हैं, क्योंकि हमें उतरना भी है और देखते हैं कब तक हम गौरीकुंड पहुंच जाएंगे, आज रात पहुंच जाएंगे या फिर सुबह, ठीक है। तो चलो,
वापसी में हमें 12:30 बज गए हैं और ये घोड़ा पड़ाव तक आ गए हैं वापस। अभी भी नीचे जाने में कुल मिला के हमें अपने रूम तक जाने में 1 बज जाएगा। तो देखते हैं सुबह लेट तक सोएंगे फिर उठ के अपना घर चलेंगे। देखो दोस्तों ये चीज देखने को मिली यहाँ पे, इन अपराधों से बचे जानवरों के लिए लिखा हुआ तो बहुत कुछ अच्छा है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये जिला पंचायत रुद्रप्रयाग से है, इनके निर्देश है कि किसी भी अशोक को मारना, अत्यधिक भार लादना ये अपराधों की श्रेणी में आते हैं। घायल विकलांग अशोक से कार्य करना, अशोक को लावारिस छोड़ देना, अशोक को भूखा प्यासा रखना, किसी भी पशु को यातना देना ये अपराध की श्रेणी में रखा है। लेकिन ये घोड़े वाले कुछ नहीं देखते, यहाँ भोले भोले कम होता है, घोड़े घोड़े ज़्यादा होता है। ये घोड़े पर बैठने से पहले उनकी सेहत खास तौर से उसकी पीठ की अवश्य जांच कर ले, आपकी यात्रा मंगलम में हो। इसलिए ये यात्रियों का वो बनता है कि भाई पहली तो बात करना नहीं चाहिए लेकिन करें तो कम से कम उसको फॉलो करें, बस इतना ही और क्या। ये देखो दोस्तों 2:15 हो गए हैं, लगभग 2:15 बजे हमें होटल मिला है यहाँ पे, लेकिन होटल एकदम फर्स्ट क्लास मिला है, 1 नंबर। टूट के चूर चूर हो गए हैं, रात को खाने के लिए भी कुछ नहीं है क्योंकि सभी होटल्स बंद हो चुके हैं, क्योंकि 2:15-2:30 बजे कौन होटल खुला रखेगा हमारे लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि रूम अच्छा मिल गया जिसकी बेडिंग भी अच्छी है और अच्छा रूम है मतलब, तो अब सोएंगे और आज रात सोने का मजा लेंगे क्योंकि ट्रैकिंग कर करके जान निकल गई है, आंखें बंद हुए जा रही है, आंखें नहीं खुल रही है। 2:15 सो रहे हैं, 3 बजे तक नींद आएगी, सुबह 5-6 बजे आँख खुल गई तो ठीक है निकल पड़ेंगे घर के लिए, नहीं तो फिर देखते हैं लेट निकलेंगे और फिर कब तक पहुँचते हैं, अगर पहुँच पाए तो घर पहुँचेंगे नहीं तो ऋषिकेश में ही फिर डेरा डाल लेंगे अपना। मिलते हैं कल सुबह। चलो दोस्तों नहा के मैं हो गया हूँ रेडी एक तरीके से, कंगी वंगी करके और अपना सामान समेटेंगे। ये हमारा बैग है और हमारे सैडल बैग वहाँ है, बाइक स्टैंड पे है, अपनी बाइक पे लगा के सैडल बैग और इसको बांध के अपने बैग को और फिर हम यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं हम आज ऋषिकेश पहुँचते हैं या डायरेक्ट कुरुक्षेत्र पहुँच पाते हैं। ये है आज का हमारा वो, बीच में अपना रील्स वील्स बनाते चलेंगे, कोई अच्छी पहाड़ों की सीनरियाँ दिखेंगी हमें। बस अब निकलते हैं दोस्तों यहाँ से और मिलते हैं ऋषिकेश या घर। करने आया ऋषिकेश पहुंचे हम घर नहीं पहुंच पाए, छोटी वाला भाई बैठा है। खाली है छोटी वाले रेस्टोरेंट, ये पुराने वाला है, दो है ये, एक आगे है नेक्स्ट वो नया है और ये पुराने वाला है, जितने से है वो लिखा हुआ है सब कुछ है। बस यही है कि देखो चोटी वाला की थाली है रेस्टोरेंट की ऋषिकेश में और ये दो है, एक पुरानी दुकान एक नई दुकान और ये इतने सारे पकवान है, पुराने वाली दुकान है ठीक है। अब इनका आगे देखते हैं टेस्ट करके कौन सा बेस्ट है, पुराने वाला या नए वाला। पुराने वाले बेस्ट, गोल्ड इज गोल्ड एस ट्राई ठीक है, इसे बंद कर दो।